स्वागत है आपका इजी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे चॉकलेट बेस केक। चॉकलेट बेस केक को आप अपने मनपसंद क्रीम के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चॉकलेट केक बेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवन को कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं। अब एक खाली बर्तन ले लेते हैं, बर्तन के ऊपर छलनी रख देते हैं। छलनी में हम डाल देते हैं 1.5 कप मैदा। एक चौथाई कप से थोड़ा सा कम कोको पाउडर। कोको पाउडर नापने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्मल वाली चम्मच लेंगे, फुल भरकर 3 चम्मच कोको पाउडर ले लेंगे। 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। 3-4 पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। छानने के बाद एक बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट को साइड में रख देते हैं। सेम बर्तन ले लेते हैं। बर्तन में 2 अंडों को तोड़ लेते हैं। दोनों अंडे तोड़ने के बाद अंडे में अब हम डाल देते हैं 1.5 कप शुगर पाउडर। शुगर पाउडर को आप छान कर ले लें, मैंने पहले से ही छान कर रखा हुआ है। मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद 2 चम्मच वनीला एसेंस या चॉकलेट एसेंस, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिए। 1/2 कप रिफाइंड तेल डाल दीजिए। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने के बाद 2-3 पार्ट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। 1 कप पानी लिया है, ज़रूरत के अनुसार पानी का यूज़ करेंगे। पानी की जगह आप दूध का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी की बची हुई मैदा भी डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बैटर काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा दूध या पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा परफेक्ट बन चुका है। बैटर को केक टिन में डाल लेते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए 1/2 कप पानी का यूज हुआ है, 1/2 कप पानी बच गया है। बैटर को आप केक टिन में पलट लेंगे। केक टिन में पलटने से पहले केक टिन को चिकना कर लेंगे। साइड से भी केक टिन को चिकना कर लेंगे। केक टिन के साइज का बटर पेपर काट कर केक टिन के अंदर लगा देंगे। बटर पेपर लगाने के बाद एक बार फिर से चिकना कर लेते हैं। केक के बैटर को केक मोल्ड में पलट देते हैं। बैटर को थपथपाते हुए बैटर का एयर बबल्स निकाल देंगे। बेक होने के लिए माइक्रोवेव में रख देंगे। केक को बेक करने के लिए कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। 20 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। केक अगर कच्चा है तो 5 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। केक को बेक होते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। केक को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए ग्लव्स
या फिर कपड़े की सहायता से केक टिन को निकालेंगे। सावधानी से निकालिएगा, ये बहुत गर्म होता है। केक अभी हमारा कच्चा लग रहा है, 5 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए टूथपिक लेंगे, केक के अंदर डालेंगे। टूथपिक हमारा साफ निकल कर नहीं आया है, केक अभी कच्चा है। 5 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। 5 मिनट हो जाने के बाद एक बार फिर से केक को चेक करेंगे। केक को सावधानी से बाहर निकालेंगे, टूथपिक डालकर देखेंगे। इस बार केक हमारा पक चुका है, टूथपिक साफ निकल कर आया है। केक को बेक होने में टोटल 30 मिनट का समय लगा है। केक को ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। केक ठंडा हो चुका है, सबसे पहले केक के किनारों को अलग कर लेते हैं। केक के किनारों को अलग करने के बाद एक प्लेट लेंगे, केक के ऊपर रखेंगे, सावधानी से पलट लेंगे। केक को थपथपाते हुए केक को निकाल लेंगे। केक मोल्ड से निकालने के बाद बटर पेपर को भी हटाकर फेंक देंगे। चॉकलेट केक बेस बनकर तैयार है। चॉकलेट केक बेस बनाने की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को ट्राई करें। अपने अनुभव कमेंट करके मेरे साथ शेयर करें।